हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट जीतू। आज अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डे के पास। तो आज के वीडियो में आपको महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डे से जुड़ी हर एक जानकारी मिलेगी। महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डे से कौन कौन सी बसें, कहाँ कहाँ के लिए बसें चलती हैं, तो इन सब की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में पूरा और देखते रहिए एक्सप्लोर 25। महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा जो है दिल्ली का, वो आपका दिल्ली के कश्मीरी गेट के महात्मा गांधी रोड पर बना हुआ है। और ये बस अड्डा आपका टोटल 5.5 एकड़ में फैला हुआ है। और ये महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े बस अड्डों में से एक है। हर रोज लगभग महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डे से 2500 बसें बनके चलती हैं। तो अब मैं अंदर की आपको जानकारी देने जा रहा हूँ महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डे की। और एक जानकारी और मैं दे रहा हूँ आपको, महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डे से हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर, इन सारी जगहों के लिए बसें बनके हर रोज चलती है। सामने देख लो, ये आपका रिंग रोड है, ठीक है। और एंट्री आपकी यहाँ से नहीं होने वाली है, ठीक है। एंट्री कहाँ से होगी वो आपको मैं, रिंग रोड है। और यहाँ के लोकेशन की बात करूँ तो ये बस अड्डा आपका कश्मीरी गेट, दिल्ली के कश्मीरी गेट में बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ का सबसे नियरेस्ट जो बस स्टैंड है आपका, लोकल बस स्टैंड, वो आपका कश्मीरी गेट का ही है। अंतर्राज्यीय बस अड्डे के नाम से यहाँ का बस स्टैंड है। और सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो सबसे नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो आपका कश्मीरी गेट के नाम से ही मेट्रो स्टेशन है। किसी भी गेट नंबर से आप बाहर निकल जाओ, सारे गेट यहाँ पे जो मेट्रो के गेट हैं वो आपके बस अड्डे के पास ही हैं। तो देखिए, ये आपका कश्मीरी गेट का अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा। और जो एंट्री होगी ना, आप लोगों को एंट्री करनी होगी, ये जो यहाँ का फुट ओवर ब्रिज बना है ना, ये फुट ओवर ब्रिज से जाके आपको अंदर के साइड जाना होगा। फुट ओवर ब्रिज का यूज करके हम बस अड्डे के अंदर जाएंगे, ठीक है। और बस अड्डे के अंदर जाके आपको बस अड्डे के अंदर की जानकारी मैं देता हूँ। देखो, बस अड्डे के अंदर जाने के लिए ना ये वाला रास्ता है। जब आप लोग फुट ओवर ब्रिज पर आ जाओगे तो इस वाले रास्ते से होके आपको बस अड्डे के अंदर जाना होगा। तो देखिए, यहाँ पे बस अड्डे के अंदर जाने के लिए ना सबसे पहले आपको सामान वगैरह चेक कराना होगा और बॉडी चेक कराना होगा, उसके बाद ही आप बस अड्डे के अंदर एंट्री में। सामान की चेक इन कराने के बाद जैसे ही आप एंट्री करोगे ना अंदर की तरफ, तो ये ना बस अड्डे का पहला फ्लोर है। बसें आपको नीचे से मिल जाएंगी, देखिए आप लोग। यहाँ से हमें नीचे जाना होगा। अब बस अड्डे में जैसे मैंने एंट्री किया, देखो आप, इस तरीके का आपको वेटिंग हॉल मिल जाएगा अंदर के साइड में। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है वेटिंग हॉल। और वेटिंग हॉल के अंदर ही ना आपको कैफेटेरिया मिल जाएगा। यहाँ अब बाहर चलते हैं और बाहर दिखाते हैं आपको कहाँ की बसें, कौन से स्टेट की बसें आपको कहाँ पर मिल जाएंगी, इसकी जानकारी मैं बाहर चल के आपको देता हूँ। अब ना बस अड्डे के अंदर आ चुका हूँ मैं, आप लोग पीछे देख सकते हो बसें लगी हैं। तो कौन सी बस आपको कहाँ से मिल जाएगी मैं इसकी आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में पूरा। और चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके आप लोग अपना सुझाव दे सकते हो मुझे। और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता। सामने आप लोग देख सकते हो, ये आपका हरियाणा रोड ट्रांसपोर्ट की बसें लगी हैं। और हरियाणा रोड ट्रांसपोर्ट की बसें लगी हैं आपकी 42, 43, 44, 45 नंबर पर, ठीक है। और यहाँ आपको टिकट मिल जाएगा दिल्ली से हिसार, डबवाली, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, माहम, झांसी, रोहतक, लुधियाना, संगरूर, खनौरी, चूरू, झुंझुनू, पिलानी और यहाँ झज्जर, दादरी। तो यहाँ की बसें ना आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और टिकट काउंटर ये सामने रहा, यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा इन सारी जगहों पर। 40 नंबर लिखा हुआ है। अब 40 नंबर पे ना आपको कहाँ की बस मिल जाएगी मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पे टिकट काउंटर है हरियाणा, सोनीपत, बहालगढ़ और गोहाना, यहाँ की बसें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। अब आगे चल के आगे की मैं आपको जानकारी देता हूँ। 35 नंबर लिखा हुआ ना, 35 नंबर के सामने आपको यमुनानगर, कैथल, पुंडरी की बसें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और ये देखिए, ये बस लग रही है, ठीक है। ये है आपका 33 नंबर। और 33 नंबर से आपको करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, पेहवा, यहाँ की आपको बसें मिल जाएंगी, देखिए आप।
ये बस लगी है और आगे इस नंबर को याद रखना आप, ठीक है, जो 3534 नंबर बता रहा हूँ मैं, इसको याद रखना आपको कोई, ये देखो 31 नंबर है, 31 नंबर से आपको यदि आपको पटियाला जाना हो, लुधियाना जाना हो, अंबाला जाना हो, खन्ना जाना हो, तो 31 नंबर से यहाँ की बसें आपको मिल जाएंगी, हरियाणा रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की, ठीक है, नंबर को याद, ये 29 नंबर आ गया। और 29 नंबर से आपको चंडीगढ़ जाना हो, अंबाला जाना हो, पंचकूला जाना हो, तो यहाँ यहाँ की बसें आपको 29 नंबर से मिलेगी। देखो नंबर के आगे ना बसें भी लगी हैं आपकी, और ये नंबर बताता हूँ मैं, ये नंबर है आपका 28 नंबर है, और 28 नंबर से आपको मिल जाएगा अमृतसर, डेरा ब्यास, जलंधर, पठानकोट और कटरा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इन सबकी बसें आपको 28 नंबर से मिल जाएंगी। देखो आपको 26 नंबर लिखा हुआ है ना, ये यहाँ सामने, ठीक सामने, ये आपका काउंटर नंबर 24, 25, 26, यहाँ पर आपको पंजाब रोडवेज की बसें मिल जाएंगी, ठीक है। और देखो ये बस लगी है यहाँ पर, और पंजाब रोडवेज की ना यहाँ पर आपको वॉल्वो बस भी मिल जाएगी, और सामने है काउंटर नंबर 23, और काउंटर नंबर 23 भी आपका पंजाब रोडवेज का ही है। ये देख रहे हो आप लोग काउंटर नंबर 21, ये सामने है 20 और 19, ये तीनों काउंटर है ना, ये आपके हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के हैं, ठीक है, हिमाचल गवर्नमेंट की जो बसें चलती है ना, वो इस काउंटर पर आपको उसके टिकट मिल जाते हैं। और बसें देखो ये लगी हुई है, ये वॉल्वो भी है। 16 नंबर से लेके ना 12 नंबर तक उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें लगी हुई हैं, और ये काउंटर है जहाँ से आपको टिकट मिल जाएंगी इन बसों का। ये देखो यहाँ से ना आपको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो बसें चलती हैं ना, उनका टिकट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो बसें चलती हैं, वॉल्वो या नॉन एसी, उनका टिकट काउंटर है, ठीक है। और ये बसें हैं ना आपका 6 नंबर से लेके 11 नंबर तक बसें लगी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बसें लगी हैं 11 नंबर से लेके और 6 नंबर तक। आप लोग नंबर याद रखना, कुछ भूलना भटकना नहीं है यहाँ। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी जानकारी मिलेगी आज की मेरी वीडियो को आपको देख के। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे आप लोग पूरा सपोर्ट करो, क्योंकि 2024 के शुरुआत में ही, जनवरी से ही हमें शुरुआत स्टार्ट करनी है अपनी भारत यात्रा, तो इसमें आप लोगों का पूरा पूरा सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।